हेलो एवरीवन वेलकम टू बायजूस एग्जाम फैप आप सभी का स्वागत है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों का आप सभी का यही एक सवाल है मैम नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा कब होगा नेक्स्ट साइकिल कब होगा तो उसी के रिगार्डिंग कुछ डाउट हैं मतलब कुछ आपके दिमाग में अजम्पशंस हैं उन सभी चीज़ों को आप आपके साथ मैं क्लियर करूंगी और इस सेशन के बाद डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होंगी तो सेशन को लास्ट तक आप लोगों ने जरूर देखना है लाइक like करना शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको देख पाएं और अगर चैनल पे न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना क्या आप लोगों के मैं डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर पाई या फिर नहीं अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं तो डाउट आप सभी का ये है कि, कि आ, अभी बेसिकली आपका क्या है नव अक्टूबर आ, आ चुका है ठीक है अक्टूबर भी ये लगा के चले कि आज आपका सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर है कि मैम क्या हमारा दिसंबर 22 का एग्ज़ाम होगा 2022 का एग्ज़ाम होगा तो इसका एक एनालिसिस हम लोग करेंगे पिछले दो साल से जो हैपन किया है जो हिस्ट्री इनकी रही है एन की और अभी भी जो उन्होंने इंसिडेंट जो हमारे सामने देखे हैं या आप लोगों ने भी देखे हैं उसके बिहाव पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँगी तो सिक्सटीन अक्टूबर है आपने अभी रिसेंटली भी देखा है कि आपका 16 सितंबर को एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो आपके अलग अलग एग्जाम्स हैं ठीक है वो आपके अलग अलग डेट्स पे मतलब पूरा सितंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और 9 अक्टूबर का एक नोटिस था जिसके अंदर उन्होंने ये एग्जाम ट्वेंटी सेकेंड तक ये स्ट्रेच कर दिया था ठीक है ये नाइन अक्टूबर का नोटिस था आपका तो अगर आपने प्रीवियस ट्रेंड देखा है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि जैसे कि आपका ये एग्जाम होना था जून में ठीक है और प्रीवियस ईयर का 2021 में क्योंकि हमारा दिसंबर 2021 नहीं हो पाया था तो उन्होंने क्या किया दिसंबर 21 और जून 2022 को क्या कर दिया था मर्ज कर दिया था और ये आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी जो आपका एग्जाम गया वो मर्ज साइकिल गया है तो ये मर्ज साइकिल अगर इनकी वर्डिंग्स की भी बात करूं तो ये आपका होना था जून के अंदर क्योंकि अगर हम देखें तो नवंबर के आसपास हमारा 21 वाला एग्जाम खत्म हो चुका था ठीक है नवंबर 21 में आपका जो पुराना साइकिल था वो ओवर हो चुका था तो ये इजीली अगर चाहते तो ये एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो सकता था जून 2022 के अंदर लेकिन अभी जून के अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया फिर हम लोगों ने जुलाई में फिर से चीजें वहां पर अलग अलग तरीके के सीन सामने आए कभी किसी वजह से पोस्टपोन हुआ कभी किसी वजह से हालांकि अभी Uh, कोई कोरोना का ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं थे कि आपका लॉकडाउन लगा है तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो सकता छोटे छोटे इश्यूज थे जिसमें बहुत बड़ा मेजर इशू आई डोंट थिंक सो कोई देखने को मिला है तो जुलाई के अंदर भी फिर अगस्त मतलब जो एग्ज़ाम जून में होना था वो आपका पूरा अक्टूबर ट्वेंटी टू अक्टूबर तो जा चुका है ट्वेंटी टू अक्टूबर तक ये खिंच चुका है आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट हमारे पास क्या है आप ट्वेंटी टू से अगर लास्ट एग्जाम भी मैं बात करूं 22 तक अगर ये वाइंड अप करते हैं ठीक है उसके बाद क्या होगा? तक, तक तक जैसे कि कि आज हमने वाले uh, में भी डिस्कस किया था कि 20 -20 November तक हम result तक expect कर सकते क्योंकि इन्होंने आंसर की भी देनी है सारी चीजें फिर उनका वो उन्होंने चैलेंज भी एक्सेप्ट करना है तो कहीं ना कहीं ये बीस से पच्चीस दिन तो ये जरूर लगाएंगे तो ये तो नॉर्मल सी चीज है बीस बाईस से पहले आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है इससे पहले इतना स्पीड से कर दे तो वो लगता नहीं है थोड़ा बहुत डिले बेशक से हो जाए तो नवंबर भी हमारा जा चुका जब ये वाइंड अप होगा तभी हमारा दिसंबर का साइकिल के लिए कोई बात सोचेंगे ये लोग ठीक है अब दिसंबर का जो साइकिल है एक मंथ में तो आपका फॉर्म ओपन करना फिर एडमिट कार्ड करना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है तो आपको नहीं लगता जो दिसंबर है ठीक है दिसंबर 2022 अब ये एग्जाम भी ये लोग मार्च तक कंडक्ट नहीं कराएंगे जो कि 99.9% परसेंट पॉसिबिलिटी है और जो एनालिसिस ठीक है ये सिर्फ मैंने एनालिसिस के बिहाफ पे बोला है कोई मेरे पास ऐसा जेनवन में बोलूं कि बिल्कुल 100% परसेंट श्योरिटी के साथ में किसी प्रूफ के साथ जस्ट मैंने पिछले दो तीन साल का ये एनालिसिस किया उसके बिहाफ पे ये सारी चीजें हैं ठीक है तो ये आपका मार्च में हमें नहीं लगता कि कंडक्ट होगा मुझे जो लगता है ये आपका क्या हो सकता है फिर दिसंबर और जून 2023 ये फिर से क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा ठीक है मर्जिंग वाला हो जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें अब किसको इफेक्ट करेंगी सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट करेगी जिनका जे का एज निकल रहा है ठीक है क्योंकि जे वाला बच्चा क्या सोच के चलता है जब तक सिचुएशन स्मूथ थी उनके पास दो अटेम्प्ट होते थे भी पेपर वन या तो हम जून में दे देंगे या दिसंबर में दे देंगे दे 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 जो हमारा पेपर होगा तो हमारे पास दो अटैम्प्ट मान लिया आप बिल्कुल पढ़ाओ पे थर्टी टू की एज में बैठे हैं तो थर्टी टू की एज के अंदर भी आपका जून साइकिल था और आपका दिसंबर साइकिल था तो दो अटैम्प्ट आप कर सकते थे बट अब मैं यही आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस तरीके से करिए क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि दिसंबर और जून के साइकिल को वो लोग मर्ज कर दें श्योरिटी नहीं है जस्ट पॉसिबिलिटी है तो अपने आप को इस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करके रखिए मे बी अगर एक साइकिल बनता है और आप जे की बिल्कुल लास्ट स्टेज पर खड़े हैं आपके लिए एक लास्ट अटैम्प्ट बचता है तो अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अगर देखो हम क्या करते हैं दो चीजें रखते हैं आपके पास या तो टाइम लेस है या टाइम आपके पास मोर है यही चीजें होती हैं अगर टाइम कम होता है देन हम क्या करते हैं रिवीजन और अगर टाइम आपके पास ज्यादा होता है देन हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाते हैं है ना कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पोर्शन क्योंकि रिवीजन हम लोग ये सोचते हैं लास्ट मिनट पे करेंगे ताकि उसको और ज्यादा हम लोग पका पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक को तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो वेरी स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोलती आई तो कॉन्सेप्ट तो को ध्यान देना ही देना है जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा जैसे ही हमें पता चला था ट्विटर पे हुआ था जो ट्वीट किया गया था ठीक है कंसर्न अथॉरिटी ने कि जून में आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा हम लोगों ने मैराथन स्टार्ट कर दिया था ठीक है बैक टू बैक मैराथन था फोर फोर आर का फाइव आवर्स का पेपर वन का भी पेपर टू का भी फिर जुलाई के अंदर लगा तो जुलाई में भी हम लोगों ने रिवीजन पर्पज़ रखा थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कम रखा अगस्त सितंबर तो मतलब कहीं ना कहीं ये सभी को इफ़ेक्ट करता है ठीक है सारी चीज़ें कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ के प्रिपेयर नहीं थे जो बच्चा कॉन्सेप्ट तैयार कर सकता था वो बच्चा सिर्फ रिविज़न में ही रहा वो नया कॉन्सेप्ट वो सीख सकता था ठीक है मान लिया कोई ऐसा टॉपिक है जो रिपीट पे आता है बट उसके लिए वो टफ है बट उसके पास अगर उसको ये श्योरिटी होती है कि यस मेरा दो मंथ और डिले होगा तो शायद वो और ज़्यादा टॉपिक्स पे काम कर सकता था लेकिन क्योंकि हमें क्लियर नहीं थी चीज़ें क्लियर नहीं थी उस चीज़ के लैक की वजह से हम लोग रिविजन पे ज़्यादा फोकस्ड रहे पी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो ये सारी चीज़ें तो जो सामने का सीन बनता है उसी को देख के हम लोग क्या ह्यूमन बींग इसी तरीके से जाता है जब भी कोई एग्जाम में अटैम्प्ट करते हैं तो शायद ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को भी एनालिसिस में मदद करेंगे डाउट्स क्लियर होंगे तो समरी मेरी यही निकल के आई है कि आपका एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट साइकिल भी मर्ज हो जाए क्योंकि दिसंबर में अभी इतनी जल्दी से ये एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है और एक ही साल में तीन एग्जाम नहीं हो सकते कन्डक्ट क्योंकि अगर की बार चाहते अगर वो कोविड का सीन भी हम हटा दें तो अभी भी तीन बार इन्होंने एक साल में कंडक्ट नहीं किए हैं क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा महामारी वाला सीन भी नहीं था आ, कुछ आ, फेस्टिवल्स की जगह वजह से कुछ पोस्टपोन्ड हुए हैं बट एग्ज़ाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बेशक फेस्टिवल से एग्ज़ाम करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट right? तो ये सारी चीजें आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए अगर साइकिल मर्ज हो जाता है तो अकॉर्डिंगली क्योंकि साइकिल मर्ज होने के काफी चांसेस हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर रहे और जो जी आर एफ के एज के लास्ट एज पे हैं ठीक है मान लिया बिल्कुल आपका लास्ट अटेम्प्ट बनता है तो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मतलब मेहनत के साथ और ज्यादा शिद्दत के साथ करिए और इसके साथ साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या डाउट सेक्शन में आप अपने

बाकी ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है कोई श्योरिटी नहीं है जैसा तीन साल से ट्रेंड देखा है ठीक है अगर बेटर है अगर पहले वो नोटिफिकेशन देते हैं और भी अच्छे तरीके से स्पीड से काम होता है वो हम सबके लिए बेनिफिशियल है सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच